प्रशासन की जरा सी गलती की वजह से उनको अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। हो सकता है वो और जीते, हो सकता है वो स्वस्थ भी हो जाते। इसकी भरपाई कोई भी प्रशासन शासन प्रशासन नहीं कर सकता है। और मेडिकल कहता है कि मेडिकल कॉलेज का ये कहना है कि यहाँ पे कोई भी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। कोई कहता है कि मेडिकल में मौतें ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। तो मैं कहती हूँ कि जब करोड़ों रुपए आते हैं इंसेफ्लाइटिस के ऊपर, करोड़ों रुपए आते हैं मेडिकल के ऊपर, वो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? क्यों मेडिकल ऑक्सीजन की बिल की भरपाई नहीं हो पाई? भाई यहाँ रखते जाओ, इधर से राइट साइड आगे से आ जाओ, सब सभी साथी।